हाय गाइस, ये शहजाद अहमद एंड वेलकम इन लेक्चर नंबर 58। आज हम फेड आउट फंक्शन के बारे में देखते हैं यूजिंग जेक्यूरी। हम देखेंगे कि हम अपना कंटेंट जो है वो कैसे फेड आउट करवा सकते हैं, कैसे हम वैनिश गायब करवा सकते हैं, ठीक है, लेकिन एनिमेशन के साथ। लास्ट एग्जाम्पल में आपने देखा कि आप जो है वो फेड इन आप कैसे करवा रहे थे यूजिंग बटन। हम जैसे ही क्लिक करते थे तो आप देख सकते हैं कि आपके पास फेड इन हुआ, कॉल बैक फंक्शन चला एंड आपकी एक टिप जो है वो डिसअपियर हुई। ठीक है, हम सेम एग्जांपल उठाते हैं ताकि आपको चीज़ें प्रॉपर समझ में, आप कंफ्यूज ना हो इसी वजह से। ठीक है, आपको पता है कि हमारे पास एक बटन बनाया हुआ है हमने, जिसकी आईडी हमने फेड इन रखी हुई है। इसे हम चेंज कर देते हैं फेड आउट, ओके, एंड हम वैल्यू भी चेंज कर देते हैं इसकी, फेड आउट एंड डिव्स हम सेम रखते हैं, रेड, ऑलिव, ब्लैक एंड ग्रीन। हम आपको सीएसएस भी दिखा देते हैं कि हमने सीएसएस कैसे की हुई है। रेड की सीएसएस है हमारे पास, बैकग्राउंड कलर रखा हुआ है, बैकग्राउंड कंटेंट कुछ भी नहीं डिव में, इसी वजह से हमने विड्थ एंड हाइट डिफाइन की हुई है। ठीक है, डिस्प्ले नन को हम हटा देते हैं बिकॉज ये फेड इन के बारे में नहीं है, ये फेड आउट के बारे में है। ठीक है, हम डिस्प्ले नन जो है वो हटा देते हैं, डिव जो है वो विजिबल होगी लेकिन हम उसे फेड आउट करेंगे। ठीक है, डिस्प्ले नन ग्रीन का भी हम हटा देते हैं, वापस चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, आप देख सकते हैं कि आपके पास डिव्स हैं लेकिन जैसे ही आप क्लिक करते हैं बिकॉज हमने यहाँ पे फेड इन के फंक्शंस यूज़ किए हुए हैं तो वो फेड इन नहीं हो रहा। जो चीज़ें पहले से ही विजिबल हैं वो फेड इन नहीं हो सकती लेकिन फेड आउट हो सकती हैं। ठीक है, बिकॉज वो पहले से ही अपीयर है तो दैट्स वाई हम फेड इन का फंक्शन वहाँ यूज़ नहीं कर सकते। अगर कोई चीज़ें, कुछ कंटेंट आपका जो है वो पहले से अपीयर है तो आप उसे फेड आउट कर सकते हैं। ठीक है, फेड टॉगल के बारे में भी हम फर्दर देखेंगे लेकिन फिलहाल के लिए फेड आउट। ठीक है, हम सिंपल वापस चलते हैं एंड हम जस्ट रेड के जो हमारे डिव है वो हमारा जो है वो कैपिटल होगा, फेड आउट। ठीक है, फेड आउट 1 सेकेंड के अंदर हम वापस चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं एंड क्लिक करते हैं, आपका फेड फेड आउट, रिफ्रेश करते हैं, क्लिक करते हैं बिकॉज हमने जो आईडी है वो फेड आउट की दी हुई थी, दैट्स वाई हमारा वर्क नहीं कर रहा, फेड आउट जैसे वापस चलते हैं, आईडी हमारी फेड आउट एंड हम आईडी फेड आउट, रिफ्रेश करते हैं, क्लिक का फंक्शन है हमारा, रिफ्रेश करते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखते हैं क्या हमारा एरर जनरेट हो रहा है, हमारा एरर हो रहा है जनरेट बिकॉज टोकन मिसिंग, कोई चीज़ हमसे रह गई। आप ठीक है, अब बिल्कुल क्लियर चलेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि आपकी डिप फेड आउट हुई। एक आप जो है डिबगिंग ऐसे जो है वो कर सकते हैं, अगर आपकी प्रॉपर एनिमेशन काम नहीं कर रही, कोई फंक्शन काम नहीं कर रहा तो जस्ट आप F12 या तो F12 प्रेस करेंगे या राइट क्लिक करने के बाद इंस्पेक्ट एलिमेंट। ठीक है, इंस्पेक्ट एलिमेंट करने के बाद आप जैसे ही कंसोल में जाएंगे तो अगर जैसे इन इन दिस केस हमने ये जो है हमारे दो, ठीक है, ब्रैकेट्स ये एक्स्ट्रा हैं, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको वो एरर दे रहा है एंड बता रहा है अनएक्सपेक्टेड टोकन, वो बता रहा है कि ये जो चीज़ है वो मेरे इलम में नहीं। ठीक है, आप इसे जैसे ही वो क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपको वो लाइन भी बताएगा कि आपकी किस लाइन पे जाके एरर है। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप डीबगिंग ऐसे भी कर सकते हैं। वापस चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, हम फेड आउट करते हैं, हमारी जो डिव है वो फेड आउट हुई। ठीक है, बिकॉज हमने एक ही फेड आउट का फंक्शन लगाया हुआ था, दैट्स वाई इसी वजह से एक ही हुआ। हम कंट्रोल डी से क्लोन बनाते हैं, जो जो ऑलिव डिव है हमारी हम उसे फेड आउट करवाते हैं 2 सेकेंड्स में, एंड जो हमारे पास ब्लैक डिव है हम उसे फेड इन फेड आउट करवाते हैं 3 सेकेंड्स में, ओके, एंड जो हमारे पास ग्रीन है, ग्रीन वाले डिव है हम उसे फेड आउट करवाते हैं फॉर इंस्टेंस 4 सेकेंड में, एंड कॉमा देने के बाद हम एक फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन चलाते हैं एंड हम उसे कहते हैं कि जो डिव है हमारी फॉर इंस्टेंस रेड डिव है उसे
दोबारा जो है वो हाइड कर दें, ठीक है, हाइड करें एंड हम स्लो दे देते हैं, ठीक है, वापस चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, प्रेस करते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखते हैं क्या एरर है हमारा, इलीगल एक्सप्रेशंस 9 बिकॉज, ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, एस है हमारा, एंड देन हम आप देख सकते हैं आपकी चीज़ें डिसअपियर हो रही हैं, एंड जैसे ही हम इसे शो करेंगे बिकॉज वो तो फेड आउट हो चुकी है, आप बैकग्राउंड प्रोसेस भी हम आपको दिखाते हैं, फिलहाल के लिए आप देख सकते हैं कि आपकी डिव अपीयर हुई, हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, रेड की डिव जैसे ही बटन क्लिक होगा, प्रेस होगा, रेड की जो डिव होगी उसे भी वो फेड इन करेगा, बट 1 सेकेंड, एंड ऑलिव डिव को भी वो 2 सेकेंड में फेड आउट करेगा, एंड ब्लैक डिव को भी वो 3 सेकेंड में फेड आउट करेगा, एंड जो ग्रीन डिव है हमारी उसे 4 सेकेंड में फेड आउट करेगा, उसके बाद जैसे ही वो फेड आउट डिव हमारी होगी तो एक कॉल बैक फंक्शन हमारा स्टार्ट होगा, जो हमारी ये डिव है सेम डिव को जो अभी अभी हाइड हो चुकी है, जो फेड आउट हमने की हुई है उसे वो शो करवा देगा, ठीक है, शो हम स्लो में करवाते हैं, वापस चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं, देखें आपकी रेड डिव डिसअपियर हुई, फेड आउट हुई, एंड आपकी दोबारा जो है शो हो गई, तो आप कॉल बैक फंक्शन जो है ऐसे भी चला सकते हैं, कंट्रोल जो है F12 आप प्रेस करेंगे तो इंस्पेक्ट एलिमेंट, अगर आप यहाँ से चीज़ें देखना चाहें तो आपकी डिव रिफ्रेश करते हैं, आपकी 4 डिव्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, जैसे ही आप फेड आउट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि प्रोसेस कैसे चल रहा है बैकएंड का जो ओपेसिटी के साथ, ठीक है, तो ये ऐसे आपका बैकएंड प्रोसेस चल रहा था, तो ये था फेड आउट के बारे में, देखने के बाद खुदा हाफिज़।